दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे फान फूड विलेज लाइफस्टाइल। मैं हूं सुकुमार। दोस्तों ईल फिश खाने से हमारे शरीर को बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारे विटामिन, आयरन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर से बहुत सारे बीमारियां ठीक हो जाती है। ईल फिश मिट्टी के नीचे रहती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है ईल फिश को कैसे पकड़े जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे ईल फिश को मिट्टी के नीचे से पकड़े जाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। हम अभी देखने के लिए आ गए हैं कैसे ईल फिश को मिट्टी के नीचे से पकड़े जाते हैं। पहले पानी को निकाले जा रहा है ताकि आसानी से मिट्टी को हटाया जा सके। दोस्तों ईल फिश देखने में सांप जैसे लगते हैं, लेकिन ये सांप नहीं है। बंगाली में इसे कुचिया मछली के नाम से जाने जाते हैं। ये नदी, तालाब और समुंदर में रहती है। दोस्तों हमारे यहाँ खेत में भी मिल जाते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, जैसे विटामिन A1, विटामिन ई, सी, B1, B2, B6 और B12। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल भी मिल जाते हैं। और ये देखिए ईल फिश को पकड़ने के लिए कैसे ये लोग कुदाली से मिट्टी को हटा रहा है। दोस्तों ईल मछली खाने से डायबिटीज पाइल्स जैसे बीमारी भी कंट्रोल हो जाता है। ये ऑर्थोराइटिस और बात के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसको अगर रेगुलर खाया जाए तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और ये देखिए एक छोटा सा ईल मछली पकड़ा गया है। उसके बाद और एक ईल मछली भी पकड़ लिया है। दोस्तों ये काम काफी मेहनत वाला काम है, लेकिन आदमी खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ के आदिवासी भाई लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, इसीलिए ऐसा काम कर पाते हैं। दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और ये देखिए एक बड़ा वाला ईल फिश भी पकड़ा गया है। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।